राजीव गांधी स्टेडियम के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव। तेज धार हथियार से बेरहमी से की गई है हत्या। पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा रोहतक पीजीआई। आज सुबह राजीव गांधी स्टेडियम के पास सेक्टर 6 में झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर तेज धार हथियार के निशान थे। उस युवक की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि दोनों हाथों की कलाई भी काट दी गई। जांच पड़ताल में युवक की शिनाख्त सोनीपत जिले के रहने वाले रोहन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना रोहन के परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि रोहन 21 सितंबर से घर से लापता था। हालांकि अभी तक परिजनों ने किसी पर हत्या का कोई शक नहीं जताया है और ना ही हत्या के कारणों का पता चल पाया है। मौके पर पहुंचे डीएसपी सज्जन कुमार का कहना है कि रोहन घर से 12वीं कक्षा का कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए आया था और 21 सितंबर से ही लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। आज सुबह उसके शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल की है। प्रारंभिक जांच में युवक का तेज धार हथियार से गला रेता गया है और हाथों की कलाइयां तक काट दी गई हैं। यही नहीं, पूरे शरीर पर तेज धार हथियार के बहुत से निशान हैं। फिलहाल वो इस मामले में जांच करने में जुटे हुए हैं। कॉल डिटेल को खंगालने का काम भी चल रहा है और जल्द ही इस मामले में हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये सूचना मिली थी हमें, तुरंत मौके पर पहुंचे कि एक डेड बॉडी यहाँ झाड़ी में पड़ी है, तो आके मायने किया है, पर आइडेंटिफाई होगी, ये रोहन लड़का है, अपने यहीं लोकल कॉलोनी में रहता है, इसके पेरेंट्स आए हैं। उन्होंने बताया कि परसों हमने इसकी FIR दर्ज कर रखी है मिसिंग की, और ये पेपर देने के लिए घर से निकला था परसों। सोरखी में इसका कोई कंपार्टमेंट आया हुआ था प्लस टू में, और वहाँ इसका सेंटर था सोरखी, तो इसके ताऊजी छोड़ के आए हैं, उसके बाद से इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज पता लगे, अभी इसकी बॉडी मिली तो मौका पहुँचे, मुआयना किया है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी खुलासा हो जाएगा। प्राइम फेसी तो एकदम मर्डर लग रहा है इसके, क्योंकि शर्ट पर काफ़ी ब्लड लगा हुआ है, उसमें कुछ निशान भी हैं, और लगता है कि भी इस स्पॉट पर इसका मर्डर किया गया है। बिल्कुल, ये तो हमारा प्रयास है, हमारी CIA टीम भी लगी हुई है, SHO अर्बन स्टेट से चौकी इंचार्ज बसडा और सारी टीम लगी हुई है, हमारी साइबर सेल लगी हुई है, और ये ऑलरेडी FIR दर्ज है, तो इसलिए उसकी CDR वगैरह हम खंगाली हैं और उसका मुआयना कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जल्दी कोई ना कोई क्लू चल जाएगा।